गुड मॉर्निंग सेंटियंस, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर ऑनलाइन क्लास ऑफ क्लास फर्स्ट. ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 52. टुडे वी रीड लेटर राइटिंग. व्हाट इज लेटर राइटिंग? लेटर कैसे लिखा जाता है, किसे लिखा जाता है? चैप्टर नंबर 18. लेटर इज मीन ऑफ कम्युनिकेशन. लेटर इज मीनिंग्स ऑफ कम्युनिकेशन. किसी से बात करने का, कम्युनिकेशन करने का मीनिंग लेटर है. ओके, बाय राइटिंग अ लेटर वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स विथ आवर डियर वंस. हम अपनी फीलिंग्स लेटर के थ्रू किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी हमारे डियर वन के साथ, किसी एक के साथ. ओके, एड्रेस. देखो लेटर का फॉर्मेट, ये क्या लेटर का फॉर्मेट, लेटर कैसे लिखा जाता है. यहाँ स्टार्टिंग के 3 लाइन्स लेटर एड्रेस, स्टार्टिंग की 3 लाइन्स लेटर की, यहाँ 3 लाइन्स एड्रेस होती है. किसका एड्रेस? जिसे हम भेजते हैं लेटर, उसका एड्रेस. ओके, फिर यहाँ पे डियर फादर, डियर मदर या डियर फ्रेंड, जिसे भेजते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं. देन हमें यहाँ क्या और किसके बारे में लिखना है वो हम इन लाइन्स में लिखते हैं. देन यहाँ पे योर लविंग या योर ट्रूथली फ्रेंड जो भी होता है, ठीक है, जो लिख रहा है उसका नेम नीचे, जिसको भेज रहे हैं उसका नेम यहाँ, जिसका जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ, और जिसके जो कुछ कहना है लेटर में वो यहाँ पे. ओके, आस्क योर कजिन टू लैंड यू अ बुक. आस्क योर कजिन टू लैंड योर बुक. बुक भेजने के लिए, बुक भेजने के लिए हमें किसी हमारे जो कज़न है ना उससे पूछना है. ओके, यहाँ पे ये जो 8 मालवीय नगर न्यू दिल्ली 15 अक्टूबर 2015, तो यहाँ पे ये क्या है, जिससे भेजे जा रहा है कज़न को, तो यहाँ पे कज़न का एड्रेस है. ओके, फिर यहाँ पे डेट, जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है वो वाली डेट. देन डियर शीना, कज़न का नाम क्या है, शीना है. ओके, तो यहाँ पे शीना, यू हैव अ बुक ऑफ स्टोरी ऑन एनिमल. तुम्हारे पास एक बुक है एनिमल्स की. आई वुड लाइक टू रीड इट. मुझे वो पढ़नी है, ठीक है. प्लीज ब्रिंग इट फॉर मी व्हेन यू विजिट अस नेक्स्ट टाइम. अगर तुम नेक्स्ट टाइम आओ तब वो लेके आना. तो ये क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो शीना है उसे बोल रही है दीपा, क्या बोल रही है कि यू हैव अ बुक, तुम्हारे पास एक बुक है स्टोरी की, एनिमल्स स्टोरी की. ओके, आई वुड लाइक टू रीड इट. मुझे वो रीड करनी है. ओके, प्लीज ब्रिंग इट फॉर मी व्हेन यू विजिट अस नेक्स्ट टाइम. जब तुम हमें नेक्स्ट टाइम मिलो तब वो मेरे लिए लेके आना, ये चीज़ बोला उसने इसमें. एंड देन नीचे उसने लिखा योर लविंगली दीपा, तुम्हारी लविंगली दीपा. तो इस तरीके से लेटर लिखा जाता है. ओके, यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज में क्या है, लेटर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑन हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन. आपने अपना समर वेकेशन किस तरीके से स्पेंड किया है वो आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करना है. ओके, तो यहाँ पे हमने ये लेटर लिख लिया है, अ लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑन हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन. आपने अपना समर वेकेशन कैसे स्पेंड किया है वो सारी बातें आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे बाय लेटर, थ्रू लेटर. तो यहाँ पे F45 निर्माण फ्लैट्स, यहाँ पे जहाँ वो रहता है उसका एड्रेस रिंग रोड राजकोट. ओके, यहाँ पे घर का फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, फिर वो जगह जहाँ उसका घर बना हुआ है, देन वो एरिया एंड देन वो सिटी. ओके, फिर यहाँ पे क्या है, डेट आज की 20 जनवरी 2022. डियर रीना, रीना को लेटर, जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसका नेम डियर रीना. हाउ आर यू, तुम कैसी हो. ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, तुम कैसी हो समर हॉलीडेज में. आई विजिट माय ग्रैंड पेरेंट्स इन वडोदरा, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गया जो कि वडोदरा में है. आई सॉ मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट एंड अ फ्यू मूवीज, मैंने बहुत सारे प्लेसेस देखी वहाँ पे और बहुत सारी और कुछ मूवीज भी देखी. एंड डिड यू लॉट ऑफ शॉपिंग, डिड अ लॉट ऑफ शॉपिंग, और मैंने वहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग भी करी है. वी वेंट फॉर अ पिकनिक टू आजवा एंड जम्बूगोड़ा. वी वेंट फॉर अ पिकनिक, हम वहाँ पे एक छोटी सी पिकनिक पे गए जो कि आजवा और जम्बूगोड़ा है. ओके, ये जगह का नाम है आजवा एंड जम्बूगोड़ा, वहाँ पे जो वो घूमने गए थे. आई ऑल्सो लर्न, मैंने ऑल्सो क्या किया, पेंटिंग फ्रॉम माई आंट,
मैंने वहाँ पे पेंटिंग भी सीखी, किससे, आंटी से. ओके, इट वॉज गुड फन, वो बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग था. हाउ डिड यू स्पेंड योर समर वेकेशन, तुमने अपना समर वेकेशन कैसे स्पेंड किया. ये कौन पूछ रहा है, जो लेटर लिख रहा है. हाउ डिड यू स्पेंड योर समर वेकेशन, राइट टू मी अबाउट इट, तुम मुझे उसमें लिख के बताओ. योर लविंग फ्रेंड राज. ओके, इस तरीके से ये लेटर लिखा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, आप भी अपनी नोटबुक में ये वाला लेटर लिखेंगे एंड इसे कोशिश करेंगे लर्न करने की. ओके, सो योर लेटर राइटिंग, योर लेटर राइटिंग चैप्टर इज कंप्लीट. आई होप यू अंडरस्टैंड. स्टे लर्निंग, कीप हेल्दी, हैव अ नाइस डे.